अनुष्का शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार यानी कल से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई जो सुबह संसद भवन परिसर में हुई। सरकार की ओर से बुलाई गई बैठक के बाद अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शाम 4 बजे सभी पार्टियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक का मकसद सदन को सुचारू तौर पर चलाने को लेकर सभी दलों के बीच एक राय बनाने की होगी और इस बैठक में भी सभी दल के प्रतिनिधियों साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। बता दें कि मॉनसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी के बेहतर कामकाज के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2 समूहों का गठन किया है। दोनों ग्रुप संसद सत्र के दौरान रोजाना मिलेंगे और कांग्रेस की सदन में रणनीति पर चर्चा करेंगे। समूहों के गठन का मकसद पार्टी के अंदर बेहतर रणनीति बनाने के साथ साथ विपक्ष के सहयोगी दलों से भी बेहतर समन्वय स्थापित करना है। चेंबूर में दीवार गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 20 के करीब पहुंच गई है। 2 घायलों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में हुए इस हादसे में जान गंवाने वाले परिवार वालों के प्रति संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के चेंबूर और विक्रोली में दीवार गिरने से लोगों की मौत पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने पीएम फंड से दीवार गिरने से जान गंवाने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। पीएम के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मुंबई हादसे पर शोक जताया है। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने आज किसान नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस किसान नेताओं से संसद का घेराव न करने की अपील करेगी। इसके अलावा पुलिस किसानों को किसी और जगह प्रदर्शन करने का भी सुझाव दे सकती है। किसानों ने 22 जुलाई से संसद का घेराव करने का ऐलान किया है। पंजाब कांग्रेस के सभी लोकसभा और राज्यसभा मेंबर आज रविवार को राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा के दिल्ली स्थित निवास स्थान पर बड़ी बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में किसानों के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और साथ ही कांग्रेस पार्टी से संबंधित मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच नवजोत सिंह सिद्धू लगातार एक्शन मोड में हैं। सिद्धू आज विधायक मदन लाल जलालपुर के घर उनसे मुलाकात करने पहुंचे। विधायक जलालपुर के घर सिद्धू ने बड़ी बैठक बुलाई जिसमें विधायक मदन लाल जलालपुर, मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, विधायक निर्मल सिंह सुतराना, विधायक दर्शन सिंह बराड़ और सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं इस मुलाकात के बाद मदन लाल जलालपुर का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह राजा हैं और राजा सबको माफ कर देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी को गले लगाकर पार्टी को मजबूत करना चाहिए। भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन के मोर्चे पर नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत में 40 करोड़ वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं। अगर चीन को छोड़ दें तो किसी भी देश में अब तक इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन नहीं लगी है। भारत में टीकाकरण अभियान इस साल 16 जनवरी से शुरू हुआ था। फिलहाल यहां 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल इस वक्त मजबूत गठबंधन की तलाश के साथ साथ रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने का ऐलान करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से सत्ता हासिल करने के लिए दलित, ब्राह्मण और ओबीसी फार्मूले पर चलने का फैसला किया है। ब्राह्मण को फिर से बसपा में लाने के लिए मायावती 23 जुलाई से ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज करने जा रही है। बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज 23 जुलाई को अयोध्या से होगा जबकि पहले चरण के तहत 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक अयोध्या और आसपास के 6 जिलों में लगातार ब्राह्मण सम्मेलन किए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी उनसे जुड़े उगाही और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। ईडी की टीमों ने अनिल देशमुख के नागपुर और उनके गांवों के घरों में छापे मारे हैं। ईडी की टीमों ने अनिल देशमुख के बड़वीरा गांव में भी छापेमारी की है और इसी गांव में देशमुख का पुराना घर भी है। ओलंपिक में कुछ कर गुजरने के लक्ष्य के साथ भारतीय दल का 88 सदस्य पहला जोथा 23 जुलाई से शुरू होने वाले खेलों के लिए रविवार की सुबह टोक्यो पहुंच गया है। भारत का 228 सदस्य दल ओलंपिक में भाग लेगा। इसमें 119 खिलाड़ी शामिल हैं। भारतीय खिलाड़ियों का हवाई अड्डे पर कुरोबे शहर के प्रतिनिधियों ने स्वागत किया। उनके हाथों में बैनर थे जिन पर लिखा था कुरोबे भारतीय खिलाड़ियों का समर्थन करता है, चीयर्स फॉर इंडिया। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।